पिछले कुछ समय से रेलवे स्टॉक्स काफी फोकस में है। अंतरिम बजट से पहले उम्मीदों और अंतरिम बजट में रेलवे के लिए किए गए बजट एलोकेशन और ऐलान के दम पर रेलवे शेयरों में काफी एक्शन देखने को मिला। अब सभी रेलवे शेयरों ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपनी तीसरी तिमाही के इनकम भी अनाउंस कर दिए हैं और वे मोटे तौर पर बढ़त में रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी रेलवे स्टॉक्स को अपनी रडार पर रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल टीटागढ़ रेल को रक्षा मंत्रालय से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। क्या है ये डील और कंपनी के शेयर के परफॉर्मेंस को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तनवीर सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़टक। कोलकाता बेस्ड कंपनी टीटागढ़ रेल को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बड़ा ऑर्डर मिला है। रक्षा मंत्रालय से कंपनी को 250 स्पेशल वैगन के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 170 करोड़ रुपए है। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 12 महीने बाद शुरू होगा और 36 महीने में पूरा होगा। ऐसे में बाजार खुलने के साथ ही स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। इससे पहले पिछले महीने कंपनी ने रेलवे कंपोनेंट और सब सिस्टम बिजनेस के लिए दिल्ली के एम्बर ग्रुप के साथ मिलकर काम किया। कंपनियों ने भारत और यूरोप दोनों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी का गठन किया। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश चौधरी ने CNBC TV 18 को बताया था कि ये डील यूरोप में उनके लिए नए अवसर पैदा करने के लिए बनाई गई है। भारत और यूरोपीय संघ में सब सिस्टम और ट्रेन इंजीनियरिंग के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बता दें, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की स्थापना 1997 में हुई थी। पहले इसे टीटागढ़ वैगन्स के नाम से जाना जाता था। ये देश की लीडिंग वैगन मैन्युफैक्चरर है। पिछले 5 सालों में वैगन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जितने ऑर्डर मिले हैं उसमें से 25 से 30% ऑर्डर इस कंपनी को ही मिला है। ये पैसेंजर और मालवाहक दोनों तरह के वैगन्स बनाती है। इटली में एसोसिएट कंपनी फिरेमा के साथ मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस मल्टी बैगर रेलवे स्टॉक का ऑर्डर बुक दमदार है। 31 दिसंबर 2023 के आधार पर कंपनी का ऑर्डर बुक 27,466 करोड़ रुपए का है। फाइनेंशियल ईयर 2023 का रेवेन्यू 2,780 करोड़ रुपए का था। ऐसे में अगले कई सालों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी है। हर साल 8,400 वैगन्स बनाने की इसकी क्षमता है। शुक्रवार को टीटागढ़ रेल का शेयर 0.53% की बढ़त के साथ 953.70 रुपए पर बंद हुआ। ये एक मल्टी बैगर रेलवे स्टॉक है। 52 हफ्ते का हाई 1,248.90 रुपए है, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है, जिसको इसने 20 जनवरी को छुआ था। क्लोजिंग के आधार पर पिछले एक हफ्ते में इस स्टॉक में करीब 4%, एक महीने में 11.60% की गिरावट आई है। हालांकि 6 महीने में ये 49.94% और 1 साल में 104% का दमदार रिटर्न दे चुका है। ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई थी। बिज़टक आपको किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। बेहतर होगा कि जब भी आप निवेश के बारे में प्लान करें तो किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से राय जरूर लें। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी किसी रेलवे स्टॉक में पैसा लगाया है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बिज़टक। बिज़टक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिज़टक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस, बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।